क्या नदीम मुबारक ने एक्सपोज कर दिया सारे एक्टर्स को? और क्या रहीम परदेसी और अनस अली की फाइट कंफर्म हो चुकी है? और रबी का खान हुई सोशल मीडिया पर ट्रोल? तो आज भी मेरे पास काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलते आज की फर्स्ट न्यूज पे। नदीम मुबारक की अभी एक वीडियो आई है। नदीम मुबारक के बाद अभी एक प्रमोशन की ऑफर आई है PMLN वालों की तरफ से, जिसमें वो लोग कहते हैं हमारी पार्टी की आपको तारीफ करनी होगी, हम आपको 5 से 10 लाख रुपए देंगे। लेकिन नदीम मुबारक इमरान खान के सपोर्टर हैं, उन्होंने ये ऑफर से मना कर दिया। और काफी ज्यादा एक्टर्स हैं जिसने ये प्रमोशन की है, तो नदीम मुबारक उनके बारे में भी कुछ ये कहते हैं। सबसे कंपेन आई कि जी आपको 5 से 10 लाख रुपए देंगे, आपने एक वीडियो लगानी है, आपने उसमें कहना है जी पंजाब गवर्नमेंट जो है ना मरियम नवाज ने ऐसा कमाल कर दिया है कि गवर्नमेंट स्कूलों में ऐसे लेवल की एजुकेशन दी जा रही है जो यूरोप से भी आगे पहुंच चुकी है, हॉस्पिटल के अंदर ऐसी फैसिलिटीज दी जा रही हैं, फ्री एजुकेशन फ्री मेडिसिन दी जा रही है हॉस्पिटल के अंदर, और VIP बेड दिए जा रहे हैं, और उसके बाद हॉस्टल्स गर्ल्स को दिए जा रहे हैं, पुलिस की प्रोटेक्शन दी जा रही है, दे ये वो दिस एंड दैट। मैंने कहा भाई आप नानी वाले को 1 करोड़ रुपए भी दे दो ना तो खुदा की कसम कभी जिंदगी में ऐसी वीडियो नहीं लगाऊंगा। बहुत से टिकटॉकर्स इंस्टाग्रामर और जो टीवी ड्रामा में एक्ट्रेस हैं वो आपको बिकते हुए नजर आएंगे, वो पैसे लेके आपको ऐसा हुआ बोलते नजर आएंगे कि मरियम नवाज ने कमाल कर दिया, पंजाब गवर्नमेंट ने कमाल ही कर दिया, एजुकेशन आ गई, हॉस्पिटल में फ्री मेडिकेशन आ गई। ये वो लोग हैं, यही वो नासूर लोग हैं हमारे इस माशरे के लिए। जब जब ये जब जब जुल्म होता है तो ये छुप जाते हैं, और जब पैसे की खातिर ये उस जुल्म के खिलाफ नहीं उस जुल्म के हक में भी बोल पड़ते हैं, ये वो लोग हैं, ये सब कुछ भूल जाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। रबीका खान काफी ज्यादा ट्रोल हो रही है सोशल मीडिया पे, इसलिए रबीका खान के फादर ने व्लॉग में कहा था कि अंबानी की शादी का रिकॉर्ड इसमें टूट जाएगा, तो अभी इसी पे काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है रबीका खान को। तो अभी Q&A में रबीका खान इसका रिप्लाई भी देती है। एक सवाल बहुत काइंड ऑफ फनी आया हुआ है, लोग कह रहे हैं आप अंबानी की शादी का रिकॉर्ड तोड़ेंगे क्या ये सच है? अच्छा तो भाई एक बात ना आप लोगों को बता दूं, ना मैंने अपने किसी YouTube वीडियो में बोला है, ना हुसैन ने बोला है कि हम अंबानी का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। खुद ही लोगों ने एकदम रिलेट करना शुरू कर दिया है, खुद ही ये बातें सोशल मीडिया में फैल गई, हम खुद हैरान थे कि आखिर चल क्या रहा है। बट खैर आप लोग ने अपनी तरफ से अज्यूम कर लिया तो क्या पता ऐसा हो जाए, नोबडी नोज। तो खैर चलते अपने नेक्स्ट न्यूज पे। रहीम परदेसी और अनस अली की भी फ्यूचर में फाइट होने वाली है। रहीम परदेसी अनस अली को चैलेंज करते हैं कि मैं एक हाथ से तुमसे फाइट करूंगा, तुम चैलेंज एक्सेप्ट करो, अगर तुमने 24 घंटे में चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया तो तुमसे बॉक्सिंग का टाइटल छीन लिया जाएगा। तो पहले आप रहीम परदेसी की वो वीडियो देख ले, फिर उसके बाद अनस अली भी इसका रिप्लाई करते हैं। रजत भट्ट और अनस की बॉक्सिंग मैच के बाद मैंने अनस को कॉल आउट किया था, और अनस ने अपेरेंटली मुझे एक इंटरव्यू में कॉल आउट किया, चैलेंज किया बॉक्सिंग मैच के लिए कि वो लड़ना चाहता है। तो मैंने भाई कहा क्यों नहीं, व्हाई नॉट। लेकिन मैंने उसकी जिंदगी आसान करने के लिए और लंबी करने के लिए मैंने कहा कि मैं एक हाथ से ही लड़ूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। लेकिन अब देखें बात यह है कि अचानक अब ये सन्नाटा हो गया है और अपेरेंटली उसकी टोन भी जरा चेंज हो गई है ना, चेंज उसके जरा रिसेंट वीडियोज देखे। लेकिन अब बात यह है कि आपने जब रजब को कांटेक्ट किया बॉक्सिंग मैच के लिए, चैलेंज किया, तो उसने एक शेर की तरह बगैर किसी एक्सपीरियंस के, बगैर कुछ सोचे समझे उसने एक्सेप्ट किया चैलेंज, और वो लड़ा, जैसे भी लड़ा वो लड़ा। लेकिन जब अब मैं आपको कांटेक्ट करके आपसे कह रहा हूं कि भाई लेट्स फाइट, लेट्स ब्रिंग इट ऑन, आप क्यों चुप हो गए हैं, आप इधर हैं, नजर क्यों नहीं आ रहे, एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे चैलेंज? लेकिन अब बात यह है कि मैं आपको सिर्फ 24 घंटे दूंगा, ठीक है, 24 घंटे के बाद ये जो टाइटल कह रहा ना अपने आप को यूट्यूबर चैंपियन, ये इसको बिल्कुल क्रेडिबिलिटी ना दी जाए, ठीक है, और ये चुप करके अपनी इज्जत से अपना जो मनोरंजन बेची जा रहा है ना, ये कोर्सेज जो भी है इसका काम है, ये आराम से करे, और हमें अपना जो आर्ट है, कंटेंट जो हम क्रिएट करते हैं लोगों के लिए, फैंस के लिए, वो हमें करने दें, ठीक है। अगर आपने लड़ना है तो आए, बिस्मिल्लाह, कल लड़ना है, परसों लड़ना है, अगले महीने, 2 महीने, कोई मसला नहीं, लेकिन एक्सेप्ट करें ना, भागे नहीं। आप भी तो यही सिखाते हैं ना अपने स्टूडेंट्स को कि फेस योर प्रॉब्लम्स, डोंट रन अवे फ्रॉम देम। तो भाई आप भी थोड़ा अप्लाई करें ना, जरा मिसाल बने, मैं इंतजार करूंगा। तो रहीम परदेसी स्टोरीज पे स्टोरीज लगाई जा रहा है और मुझे कह रहा है कि यार मैच का रिप्लाई करो, नहीं तो 24 घंटे के बाद आपसे टाइटल छीना जाएगा। भाई जब तक मैं अनबीटन हूँ, YouTube बॉक्सिंग चैंपियन का टाइटल मेरे पास ही है, अभी मैं रिसेंटली जीता हूँ और अब मुहर्रम सफर का मंथ है, अभी तो मैच कर नहीं सकते, और आपका वेट मेरे ख्याल में मेरे से 15 kg कम है, ठीक है, तो मुझे 15 kg गिराना पड़ेगा, 3-4 months तो कहीं नहीं गए, तो मैच अक्टूबर या नवंबर में होगा। आप मेरे से 12 साल बड़े हो, डेफिनेटली आपको मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मैंने 10 days ट्रेनिंग की थी रजत भट्ट के मैच के लिए, आपके लिए आई विल ट्रेन 3-4 more months ताकि मैं मैच आपसे भी जीत जाऊँ। एक और चीज़ जो रहीम परदेसी कह रहा है कि मैं एक हाथ से लड़ूंगा, यार
मैं अपने बुजुर्गों के साथ ज्यादती नहीं करता, तो अपने दोनों हाथ से आप लड़ लें, ठीक है? एक हाथ नहीं। और रजब भट्ट के सब्सक्राइबर उनसे मिलने आते हैं और वो सवाल करते हैं कि आप रीमैच करेंगे अनस अली के साथ, तो वो बिल्कुल क्लियर मना कर देते हैं। वैसे क्योंकि वो कह रहे थे कि कोई रीमैच वगैरह हो या रीमैच वो करें किसी और के साथ मैच करें, मैं किसी भी गेम का पार्ट नहीं हूँ, मैं किसी को जो है वो प्रमोट नहीं कर रहा, मैं किसी को डिमोट नहीं कर रहा, वो किसी के साथ भी मैच करे, कोई भी उसको चैलेंज दे, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। और अगर मेरा लेना देना नहीं है तो मेरी फैमिली का भी लेना देना नहीं होना चाहिए, ठीक है? मेरा चैप्टर यहाँ पर क्लोज है, इसके बाद आगे वो कहाँ तक चले, किसको खाए, किसको नोचे। तो चलते अपने नेक्स्ट न्यूज पे। एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें गाड़ी की नंबर प्लेट की एक बोरी लगती है, उस गाड़ी का नंबर होता है 1 और वो बोरी लगते लगते 1 करोड़ पे पहुंच जाती है। भाई 1 लाख अगर कोई बोले तो आप 1 लाख 1 रुपए का महंगी हो जाएगी नंबर। इधर हमारी बिड निकली तो किडनी निकले 4 मिलियन, अगला 1-2 तक जाने 60 मिलियन, 70 मिलियन। यार उसको बोलो क्लोज करे, टाइम के चक्कर में हमें मर पाएगा। 75 मिलियन, 85 मिलियन, 100 मिलियन, अरे क्लोज टू। मुझे 1 का पता था कि मैक्सिमम 10 जाएगा और मैंने 10 का ही बजट रखा था, अभी इससे ऊपर ज्यादा मसला होता। जो मैंने आग लगाई है ना, हो सकता है 10 से ऊपर चली जाए। तो बस यार आज के लिए बस इतनी अपडेट थी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं फिर अपनी न्यू अपडेट के साथ।